चलो अभी हम बात करते हैं, ये नेक्स्ट फंक्शन है ई डेट। ई डेट मीन्स और ई ओ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ, एंड डेट एंड ऑफ मंथ, ये दो फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। लेट सपोज आपके पास एक कंप्लीटली डेट मौजूद है, ठीक है, ये एक डेट है आपके पास, और अब हम यहां क्लिक करते हैं, ठीक है, डेट है क्या है, मार्च 7 मतलब मार्च का महीना तीसरा होता है, 7 तारीख है इसके अंदर, 2012 ईयर है और वेडनेस डे का डे है। आप ये मालूम करना चाह रहे हैं, लेट सपोज नेक्स्ट 5 मंथ बाद कौन सा महीना होगा या क्या तारीख होगी, तो आप 5, 4, 3 एक फंक्शन लॉन्च करेंगे डेट फंक्शन में जाके, उसका नाम है ई डेट। क्या नाम है? ई डेट। ई डेट, ई डेट पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा स्टार्टिंग डेट बताएं, ये स्टार्टिंग डेट है। अब यहाँ पे आपने मंथ्स को पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में बताना है, मतलब अगर आप कहेंगे 3 इट मींस इट कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू, और अगर आप कहेंगे -3 इट मींस इट कंसीडर नेगेटिव वैल्यू। जब आप पॉजिटिव वैल्यू इंटर करेंगे 3, 4, 5, 10, 20, 50 तो ये उतने महीने नेक्स्ट जंप करेगा डेट को और आपको वो डेट बताएगा, और अगर आप नेगेटिव नंबर को इंटर करेंगे तो उतने महीने पीछे जाएगा और आपको वो मंथ बताएगा। लेट सपोज मैं यहां इंटर करता हूं 7 मतलब अब मार्च है और मार्च से 7 महीने ऐड करो नेक्स्ट जाओ नेक्स्ट, तो क्या डेट होगी, जैसे हम क्लिक करेंगे ओके तो ये बता रहा है उस दिन डेट होगी संडे अक्टूबर 7, 2012। अब इसी चीज को मैं यहां पर आपको, ये तो हमने कर लिया कि मिसाल के तौर पर नेक्स्ट का बता रहा है, मैं दोबारा अप्लाई करता हूं यहां पर, मैंने कहा डेट फंक्शन और मैंने कहा ई डेट, और मैंने कहा करंट डेट है ये मार्च 7, और ये बताओ 25 महीने बाद कौन सा महीना होगा, 25 मंथ्स को प्लस करो और कौन सा महीना होगा तो मुझे बताओ, और मैंने किया ओके, तो कह रहे 25 मंथ्स बाद महीना होगा जनवरी का, ईयर कौन सा होगा 2127, ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको बता रहा है कि ट्यूजडे उस दिन डे होगा। अच्छा अब आप नेगेटिव में जा रहे हैं, 25 महीने पहले कौन सा था, 25 मंथ्स अगो मतलब पहले कौन सा था, तो आप डेट फंक्शंस पे गए और आपने कहा ई डेट और मेरा डेट है ये, इससे मुझे -25 की एंट्री कर दी, 25 महीने पहले कौन सा महीना था, तो ये कह रहा है कि क्लिक किया, असल में अप्लाई तो हो गया इस पर, फॉर्मेट अप्लाई नहीं है, फॉर्मेट दे देता हूँ लॉन्ग डेट का, कह रहा है संडे था फरवरी 7, 2010 था। तो देखिए आप मंथ्स आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं, ये बड़ा हेल्पफुल हो सकता है जब आप किसी पर्टिकुलर मंथ से नेक्स्ट मंथ की आप जो है कुछ कैलकुलेट करना चाह रहे हो या पिछले मंथ की कैलकुलेशन करना चाह रहे हो। अच्छा इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है ईओ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ,